नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आर्यन कुश बायो चैनल में। दोस्तों, आज की टॉपिक मैं आपको एक ऐसी टेक्निक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आप देखेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा। कुछ लोगों का कहना है कि मेरे पास ज़मीन नहीं है तो मैं कैसे प्लांट को उगाऊँ, और कुछ लोग कहते हैं मेरे पास किचन गार्डन नहीं है, थोड़ी सी भी जगह नहीं है। तो मैं तो उनसे ये कहता हूँ कि अगर आपके पास दीवार है तो भी आप अपने पौधे को लगा सकते हैं। वो लगाना कैसे है, आप एक टेक्निक बस देखिए। सबसे पहले आपके घरों में ये ऐसे डब्बे मिल जाएंगे, आप देख रहे हैं, 1 लीटर का हो या 2 लीटर का या 5 लीटर का डब्बे मिल जाएंगे। आपके घरों में बहुत ऐसे डब्बे फेंके होंगे, इस डब्बे को आप इस्तेमाल करिए। करना क्या है, देखिए मैंने इसको यहाँ से कट कर लिया है, देख सकते हैं आप, डब्बे को कट करना है। कट करने के बाद जो इसका ढक्कन है, ढक्कन को यहाँ से खोल लेना है। आप देखते जाइए इस वीडियो को ध्यान से, मैं एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ, और इस पॉइंट को आप देखिएगा। देखने के बाद इसी तरीके का आप इम्प्लीमेंट करिए, और जो इस डब्बा देख रहे हैं, इस डब्बे में आप प्लांट लगाएंगे। टमाटर का पौधा आप, मैं लगा के दिखाऊंगा, आप देख रहे हैं टमाटर का पौधा मैंने इसमें लगा रखा है, और ये जो इसमें प्लांट है इतना बढ़िया आपको फल फूल देगा कि आपको विश्वास नहीं होगा। आप इसको इस्तेमाल करिए, इस्तेमाल करके खुद आप इसमें इम्प्लीमेंट करके देखिए। तो सबसे पहले इसको करना क्या है, यहाँ से डब्बे को आपने कट कर लिया। कट करने के बाद आपको करना क्या है कि एक आपको लेना है कपड़ा, ये देखिए कपड़ा, कपड़ा थोड़ी सी आप मजबूत ले लीजिएगा, और कपड़े को इस तरीके से लेके और इसको बीच से कट कर लीजिएगा। देखिए बीच से मैंने कट कर लिया ताकि इसमें से प्लांट निकल जाए, और इसको एक जगह से आप यहाँ से किसी भी साइड से आप काट लीजिएगा। ये देखिए कपड़ा हो गया आपका। उसके बाद अब आपको करना क्या है, जो आपका प्लांट है, प्लांट को यहाँ से निकाल लीजिए। देखिए प्लांट ये आपका निकल गया। अब जो ये मिट्टी अधिक लगी हुई है, थोड़ी सी मिट्टी को आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। देखिए इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, देख सकते हैं आप। अब करना क्या है आपको, जो ये कपड़ा है, कपड़े में इसको डाल देना है, और यहाँ डाल के इसको आपको पंच कर देना है। पंच कर देते हैं, देखिए मैंने इसमें पंच कर दिया। अब पंच करने के बाद इसको आपको जो कटा हुआ भाग है इसमें डालना है। तो डालते समय आपको ध्यान ये देना है कि जो इसकी पत्तियां हैं डैमेज ना हो। उसके लिए आपको करना क्या है, एक पेपर में इसको आप फोल्ड कर दीजिए। देखिए पेपर है, पेपर में फोल्ड कर दीजिए ताकि इसकी पत्तियां डैमेज ना हो। फोल्ड करके यहाँ पे पंच कर दीजिए। और इसको आप इसमें डाल दीजिए। सारा प्रोसीजर आप देखते रहिए कैसे कैसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इसको भूल मत जाइएगा। इसको बारीक कर लीजिए। और देखिए ये जो कपड़ा है, कपड़ा को अंदर हल्का हल्का अंदर डालते रहिए, और इसको पूरा निकाल लीजिए। कपड़े को अंदर से आप इसे सही कर दीजिए। अब इसको आप यहां से निकाल दीजिए।
देखिए आपकी पत्ती डैमेज नहीं हुई है, आपकी पत्ती सही है। अब आपको करना क्या है कि इस डिब्बे में आपको डालना है खाद, और खाद आपको इस तरीके से डालना है कि जैसे हल्की खाद हो और बहुत ज़्यादा सॉलिड हो, क्योंकि सॉलिड नहीं रहेगी फिर दोबारा इसमें आपको खाद नहीं डालने की आवश्यकता पड़ेगी। सॉलिड खाद इसमें डालिए और हल्की डालिए। हल्की में जैसे कंपोस्ट आते हैं, हल्की वर्मी कंपोस्ट है, मिट्टी में है, तो इसको तीनों में मिक्स करके आपको इसमें डालना है। और ये जो जो मैंने इसमें कपड़ा लगा रखा है, आप देख रहे हैं कपड़े मैंने लगाया है इसमें कि ताकि इसमें से बाहर से खाद निकलने ना पाए। तो आप इसको ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे लिया वर्मी कंपोस्ट, देख सकते हैं यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट के बाद मैं यहाँ पे लिया हूँ ये कोकोपीट है। कोकोपीट बहुत हल्की होती है और इसको आप इस्तेमाल करिए। ऐसे प्लांट अगर आपको उगाना है, कोकोपीट सॉलिड भी है और हल्की भी है, ये इसके लिए बहुत बेहतरीन है। और ये मिट्टी, मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो इन तीनों को मिक्स करके इसमें आप डाल दीजिए। देखिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, इन तीनों को आप मिक्स कर सकते हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन आपका पौधा होगा। इस तरीके से आप लगाइए, क्योंकि इस समय टमाटर बहुत ही महंगा है। आप अपने घरों पे लगाइए टमाटर, एक नहीं 10 पौधे अगर आप इस तरीके से 10 बोतल आपने ले लिया, 10 बोतल लेके 10 पौधे आपने लगा दिया, तो ये घर के लिए टमाटर बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप टमाटर की का प्लांट लगाइए। देखिए मैंने यहाँ पर कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी तीनों को मिक्स करके, और ये आपको पूरा नहीं भरना है, आपको ये थोड़ी सी खाली कर देना है जगह, खाली स्पेस इसमें रखना है। इसको आप मिक्स कर दीजिए। ये देखिए कोकोपीट, देखिए मैंने इतना डाल दिया। अब आपको अगला स्टेप करना क्या है, अगला स्टेप आपको ये करना है कि ये जो बोतल है, इस बोतल को आपको 3-4 जगह से यहाँ से छेद कर लेना है। जैसे देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये इंस्ट्रूमेंट है, अब इसको आप यहाँ से देखिए छेद कर लिए। एक यहाँ भी छेद मैंने पहले से छेद बना लिया है, और एक यहाँ पे, यहाँ पे ये छिद्र इसलिए चाहिए कि आप इसमें से किसी भी मजबूत धागे से बांध के और दीवार पे इसको आप रख सकते हैं। जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, देखिए आप देखिए सुई है, और सुई के सहारे या इसको छिद्र बड़ा कर देंगे तो धागे के सहारे इसमें आप डाल सकते हैं। और जो आप धागे लेंगे, थोड़ी सी मजबूत धागा लीजिएगा ताकि ये टूटने ना पाए। तो मैं इसमें धागे डाल दे रहा हूँ। दोस्तों हमने इसको सिल लिया, आप देखिए करना क्या है, बस तीन या चार जगह से आप इसको मजबूत धागे से इसको आप बांध लीजिएगा ताकि ये टूटने ना पाए। धागा मजबूत होना चाहिए। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद इसमें आपको डालना है पानी। ये पूरी तरीके से आप धीरे धीरे कम्प्लीट हो रहा है, इसमें आप डाल दीजिए पानी, और पानी डाल के किसी भी दीवार पर आप इसे इस तरीके से आप रख दीजिए। इसमें आप देखेंगे तो लगभग ये जैसे आप ज़मीन में टमाटर लगाते हैं उसी तरीके से सेम आपके इसमें में फल फूल और अधिक से अधिक इसमें कल्ले निकल के आएंगे। बसते आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे जो कपड़ा आप लगाइएगा थोड़ा सा मजबूत लगाइएगा ताकि कपड़ा ये सड़ने ना पाए, या कपड़े में कह सकते हैं जो जीन्स के पैंट है जो ख़राब आपको मिल जाए उसको काट के इसमें लगा दीजिएगा। और दूसरा काम जो करना है कि जो इसमें आप इसमें खाद डालिएगा, खाद कोकोपीट अगर डालेंगे तो बेहतरीन होगा। कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी तीनों को मिक्स करके अब इसमें डाल दीजिएगा। उसके बाद देखिए मैं पानी इसमें डाल दे रहा हूँ। पानी आपको उसी हिसाब से डालना है ताकि धीरे धीरे एडजस्ट कर लिए, और इसमें आपको ले आके इसको आप किसी दीवार पे इसे आप डाल दीजिए।
तो दोस्तों ये जो मैंने आपको टेक्निक बताया, ये टेक्निक आपको कैसा लगा? ये उन लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा मुंह पे तमाचा है जो कहते हैं कि हमारे पास ज़मीन नहीं है, मैं कैसे प्लांट को ग्रो करें, या उनके पास बालकनी भी नहीं है, किचन गार्डन में कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी भी घर के पास जगह नहीं है, तो उनके पास अगर दीवार है, घर में रहते हैं उनकी जो दीवार है, उस दीवार पर इस तरीके से 10 बोतल लेके 10 प्लांट लगा के आप लगा सकते हैं। दोस्तों ये आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और थोड़ी सी मैं आपसे रिक्वेस्ट मैं ये करता हूँ कि आप इसे शेयर करेंगे तो हर ये आदमी के पास जाएगा, और ख़ास तौर से शहर में इसे लोग देखेंगे तो जो प्लांट उगाने की जो ये विधि है, इस विधि को इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों आर्यन कुशवाहा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दिए ताकि आने वाला वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। नमस्कार।